जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल रूस ने दावा कर दिया है कि वो S-400 की खेप भारत को 26 जनवरी से पहले दे देगा और इसी बात से चीन को मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों चीन को क्या दिक्कत हो रही है S-400 की खेप से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और इसी वजह से चाइना ने अपने जो मौजूदा वेपन है उन्हें अपग्रेड करना चालू कर दिया है। चाइना में दोस्तों भारत के S-400 की वजह से काफी ज्यादा खलबली मची हुई है, जिससे कि वे किसी भी हमले को डिफेंड कर सके, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो भारत को अब जवाब देने की हालत में नहीं है, क्योंकि MTCR की सदस्यता में जिस भी देश के पास वीटो है वही 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के हथियार खरीद सकता है, मिसाइलें खरीद सकता है। और ये पावर चाइना के पास नहीं है, ये पावर भारत के पास। और दोस्तों इस पावर को ऐसे ही माना जाता है जैसे चीन के पास UNSC में वीटो है और भारत के पास यही MTCR में वीटो है। और इसका यूज करके भारत ने अब फायदा उठाना शुरू कर दिया। दोस्तों भारतीय S-400 की तीसरी खेप के बाद चाइना में हाहाकार मच गया है। दोस्तों थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि चाइना को क्या दिक्कत हो रही है और उसने रूस को क्या धमकी दे डाली। दरअसल दोस्तों चीन की सरकार ने रशियन सरकार को ऑफिशियल तौर पे कहा कि आप जो S-400 यानी S-400 भारत को दे रहे हैं उससे हम कतई खुश नहीं है। चीन ने रूस के आगे प्रोटेस्ट किया है, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कितना परेशान है, साथ ही ये कितनी बड़ी बात है। रशिया के मॉस्को सेंटर के डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को S-400 नहीं लेने की सलाह दी है, वैसे ही चाइना ने रशिया को सलाह दी है कि आप भारत को S-400 ना दे, क्योंकि हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर दोस्तों इस खबर को यूं देखा जाए कि अभी हाल फिलहाल में भारत की 100 लोगों की टीम रशिया में ट्रेनिंग ले रही है, और ऐसे में जब चाइना को ये पता चला कि भारत के पास 5 यूनिट S-400 की आने वाली है, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए रशिया पहुंच गया। लेकिन रशिया ने भी चाइना को सरल और साफ शब्दों में समझा दिया कि भारत और रशिया के रिश्ते अटूट है, जिसमें कि कोई तीसरा देश विघ्न नहीं डाल सकता और कोई भी देश रशिया के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि वे भारत को लेके अपना फैसला बदल ले। दरअसल दोस्तों S-400 के अलावा भी भारत जो रशिया से हथियार खरीदता है उससे भी चाइनीज सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि दोस्तों चाइना ने जो भी नकल करके हथियार बना रखे हैं वो रशियन हथियारों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकते। और दोस्तों यही वजह है कि चीन रशिया के ऊपर प्रेशर डालने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारे परम मित्र रशिया ने भी ये बात अपने तक नहीं रखी, बल्कि मीडिया में भी अपने डायरेक्ट के जरिए अपनी मीडिया हाउस से भी ये अनाउंस कर दिया है कि रशिया के अंदर चाइनीज प्रोपोगेंडा बिल्कुल नहीं चलने वाला। रशिया ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ये आखिरी बार है जब रशिया को चीन ने ऐसी धमकी दी है, और कहा कि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया का कोई भी तीसरा देश रशिया की विदेश नीतियों को चलाए और भारत रूस के बीच के रिश्तों में किसी भी तरीके का विघ्न डाले या फिर कोई आपत्तिजनक कमेंट करे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और रशिया का रिश्ता और दोस्ती अटूट है, और जिस तरीके से संकट की घड़ी में भारत ने रशिया पे भरोसा जताया है, रशिया इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। दोस्तों जानते विस्तार से कि रशिया भारत को कब देगा तीसरी खेप। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि रशिया भारत को 2023 की फरवरी में ये महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम सफलतापूर्वक डिलीवर कर देगा। करीब करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत में हुआ ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके तहत दोस्तों रूस भारत को 2 डिफेंस सिस्टम दे चुका है सफलतापूर्वक, जिसकी तैनाती भारत ने उत्तर पूर्वी बॉर्डरों पर कर दी है, जो कि चाइना को ध्यान में रखते हुए की है। तो दोस्तों भारत रशिया की इस मित्रता को आप कितने नंबर देंगे, 10 में से कमेंट्स करके जरूर बताइए। और इस खबर पर आपका क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।